नमस्कार, मैं हूं साक्षी। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले अब एक नजर सुर्खियों पर। बिहार सीईटी बीएड में इस दिन से दाखिले के लिए करें आवेदन। बिहार में सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट करने के मामले में 95 शिकायत दर्ज। के पाठक ने सिमुलतला आवासीय विद्यालय के प्राचार्य को किया निलंबित। ट्रैफिक पुलिस ने 24 घंटे के अंदर काटा लाखों का चालान। हार्दिक पांड्या पर लगा 24 लाख का जुर्माना। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार सीईटी बीएड में इस दिन से दाखिले के लिए करें आवेदन। बिहार में सीईटी बीएड में दाखिले के लिए 3 मई से आवेदन कर सकते हैं। ये प्रक्रिया 26 मई तक चलेगी। वहीं विलंब शुल्क के साथ 27 मई से 2 जून तक आवेदन को स्वीकार किया जाएगा। 1 जून से लेकर 4 जून तक आवेदन में त्रुटि सुधार और नामांकन शुल्क स्वीकार रहेगा। आपको बता दें कि 17 जून से प्रवेश पत्र को जारी किया जाएगा, वहीं 25 जून को परीक्षा का आयोजन होगा। जानकारी के अनुसार शेड्यूल को बीएड के स्टेट नोडल यूनिवर्सिटी ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है और साथ ही आवेदन करने के लिए पोर्टल का उद्घाटन हुआ है। बिहार में सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट करने के मामले में 95 शिकायत दर्ज। लोकसभा चुनाव के दौरान बिहार में सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट करने के मामले में 95 शिकायत दर्ज किया गया है। पुलिस ने इनमें से 10 शिकायतों को गंभीरता और संवेदनशीलता से लेते हुए आर्थिक अपराध इकाई ने प्राथमिकी दर्ज कराई है और इसके साथ ही भ्रामक और विवादित पोस्ट करने वाले के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि 38 मामलों में विवादित पोस्ट को इंटरनेट मीडिया से हटाया गया है। वहीं बीते 16 मार्च से ईओयू में मॉनिटरिंग यूनिट का संचालन किया गया है। विवादित पोस्ट पर 24 घंटे निगरानी रखी जा रही है। ऐसे पोस्ट के खिलाफ लगातार एक्शन लिया जा रहा है। बिहार में आग बुझाने के लिए फायर फाइटिंग ड्रोन का होगा उपयोग। बिहार में अब आग बुझाने के लिए फायर फाइटिंग ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा। अग्निशमन विभाग की ओर से बहुमंजिली इमारतों या संकरी गलियों में आग बुझाने के लिए फायर फाइटिंग ड्रोन का उपयोग होगा। इसका गांधी मैदान में डेमोन्स्ट्रेशन भी किया गया है। ड्रोन से हवा में उड़ाकर फोम का छिड़काव किया गया। ये ड्रोन 10 मीटर ऊपर तक उड़ सका। हालांकि बताया जाता है कि ड्रोन की सहायता से 50 मीटर भी ऊपर जाके बहुमंजिली इमारतों में लगी हुई आग को बुझाया जा सकता है। अग्निशमन विभाग की ओर से इसके लिए कवायद तेज कर दी गई है। कामगारों की संख्या 11 लाख से अधिक। आज के दिन को पूरा विश्व मजदूर दिवस के रूप में मना रहा है। ऐसे में आपको बता दें कि पटना में कामगारों की संख्या 11,79,910 है। इनमें महिलाओं की संख्या 6,24,000 जबकि पुरुषों की संख्या 5,55,000 है। इनमें 18 से 40 साल के कामगारों की संख्या 63% है। इसका मतलब ये है कि अधिकतर कामगार युवा है। आपको बता दें कि मनरेगा में निबंधित मजदूरों की संख्या 3,86,279 है। शिक्षा से जुड़े कामगारों की संख्या करीब 46,000 है। इधर मालूम हो कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के मौके पर बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर लेकर और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुभकामनाएं दी है और साथ ही श्रमिकों को उचित सम्मान और हक देने की अपील की है। के पाठक ने सिमुलतला आवासीय विद्यालय के प्राचार्य को किया निलंबित। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के द्वारा बड़ी कार्रवाई हुई है। इन्होंने जमुई के सिमुलतला आवासीय विद्यालय पर बड़ा एक्शन लिया है। के पाठक ने सिमुलतला आवासीय विद्यालय के प्राचार्य को निलंबित कर दिया है और उनके स्थान पर फिलहाल सिमुलतला स्कूल के उप प्राचार्य को प्रभारी प्राचार्य की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस संबंध में शिक्षा विभाग के द्वारा पत्र जारी किया गया है। बताया जाता है कि स्कूल का निरीक्षण हुआ है, इसमें कई कमियां निकलकर सामने आई। गाइडलाइन के तहत स्कूल का संचालन नहीं किए जाने पर प्राचार्य को फटकार भी लगाई गई थी। भीषण गर्मी के बीच गहराया पेयजल संकट। पटना में भीषण गर्मी के बीच पेयजल संकट गहरा चुका है। कुछ दिनों पहले तक रोजाना 50 लाख लीटर पानी की खपत की जाती थी, अब ये बढ़कर 1 करोड़ लीटर हो चुकी है। इसका मतलब ये है कि राजधानी में करीब 50 लाख लीटर अतिरिक्त पानी की जरूरत है। इसे पूरा करने के लिए बुडकों के द्वारा 5 पानी की टंकी को हमेशा भरकर रखने की कोशिश की जा रही है। नगर निगम के द्वारा 1,75,000 परिवारों को पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है, लेकिन जर्जर पाइपलाइन की वजह से आपूर्ति पर असर पड़ रहा है। भूजल के नीचे चले जाने की वजह से जल संकट में बढ़ोतरी हो सकती है। ट्रैफिक पुलिस ने 24 घंटे के अंदर काटा लाखों का चालान। लोकसभा चुनाव को लेकर पुलिस एक्शन मोड में है। पूरे बिहार में विशेष अभियान चलाकर कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में सिर्फ राजधानी पटना में 24 घंटे के अंदर
इसी कड़ी में सिर्फ राजधानी पटना में 24 घंटे के अंदर 74 अपराधियों की गिरफ्तारी की गई। बाइक, देसी शराब, स्मैक आदि को पुलिस ने जब्त किया है। वहीं ट्रैफिक पुलिस के द्वारा ऑटो और ई रिक्शा पर नजर रखी जा रही है। नियमों को तोड़ने की वजह से 49 ऑटो और ई रिक्शा से कुल 77,200 का चालान वसूला गया। 2,087 गाड़ियों से करीब 28,06,000 रुपए का चालान वसूला गया है। आपको बता दें कि हेलमेट का उपयोग नहीं करने की वजह से बाइक चलाने पर 10,77,000 रुपए का जुर्माना वसूला गया। बिहार के जेलों में छापेमारी से कैदियों में मचा हड़कंप। बिहार के खगड़िया और लखीसराय जिले के जेलों में छापेमारी हुई। इससे कैदियों और प्रशासन के बीच हड़कंप मच गया। बताया जाता है कि लोकसभा चुनाव को लेकर यह कार्रवाई हुई है। लखीसराय के मंडल कारा में डीएम रजनीकांत और एसपी पंकज कुमार के नेतृत्व में छापेमारी की गई। इस दौरान एसडीएम चंदन कुमार, एसडीपीओ शिवम कुमार समेत कई थानों की पुलिस मौजूद रही। यहां रेड में कोई भी आपत्तिजनक सामान बरामद नहीं हुआ। इधर खगड़िया में जिलाधिकारी के आदेश पर एसडीओ सदर और एसडीपीओ सदर ने मंडल कारा में छापेमारी की और इस दौरान भी कोई आपत्तिजनक सामान बरामद नहीं हुआ। आय व्यय का लेखा जोखा नहीं देने पर निजी स्कूलों के खिलाफ होगा एक्शन। बिहार में निजी स्कूलों के द्वारा लेखा जोखा देना जरूरी होता है। वहीं जिला शिक्षा कार्यालय के द्वारा निजी स्कूलों के आय व्यय का लेखा जोखा यानी कि ऑडिट रिपोर्ट को हर साल मांगा जाता है, लेकिन किसी भी स्कूल के द्वारा ब्यौरा नहीं दिया जा रहा है। वहीं अब ऑडिट रिपोर्ट नहीं देने वाले स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई होगी। बताया जाता है कि पिछले 8 सालों से प्रदेश में एक भी निजी स्कूल की ऑडिट रिपोर्ट को जमा नहीं किया गया। शिक्षा के आधार के अंतर्गत निजी स्कूल को हर साल ऑडिट रिपोर्ट तैयार करना होता है। इसमें एक कॉपी को जिला शिक्षा कार्यालय में जमा करना आवश्यक है। बिहार के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों से ऐसे स्कूलों की सूची मांगी गई है। मुकेश सहनी की हटी वाई श्रेणी की सुरक्षा। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी की वाई श्रेणी की सुरक्षा को लोकसभा चुनाव के बीच हटा दिया गया है। वीआईपी की ओर से यह दावा किया गया है कि मुकेश सहनी की सुरक्षा में तैनात जवान अब उनके साथ में नहीं है और इसके बाद मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी ने भाजपा पर तानाशाही होने का आरोप लगाया है। पार्टी के प्रवक्ता देव ज्योति ने कहा है कि भाजपा और आरएसएस के लोग एक गरीब मल्ला के बेटे से डर चुके हैं। देव ज्योति ने कहा कि हमारी सुरक्षा गरीब जनता करती है। भाजपा ने पवन सिंह पर बोला हमला। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नीरज कुमार ने पवन सिंह पर हमला बोला। दरअसल भोजपुरी एक्टर पवन सिंह ने काराकाट की लोकसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया और इसके बाद नीरज कुमार ने पवन सिंह को राजद का एजेंट करार दिया है और साथ ही कहा है कि पार्टी ने पवन सिंह को आसनसोल से टिकट दिया था लेकिन वो भगौरा निकले। वहीं इससे पहले भाजपा नेता मनोज तिवारी ने कहा था कि पवन सिंह राष्ट्रवादी है, वो मेरे छोटे भाई है और उन्हें समझा लेंगे। इस पर पवन सिंह ने कहा था कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने अपनी मां को वचन दिया है। तेजस्वी यादव ने स्पीकर चलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पुराने वादों की दिलाई याद। लोकसभा चुनाव को लेकर चुनावी तैयारी जारी है। नेताओं के द्वारा चुनाव प्रचार किया जा रहा है। इस बीच बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नई तरकीब से पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने चुनावी सभा के दौरान स्पीकर के जरिए पीएम मोदी के पुराने वादों की याद दिलाई। साथ ही जनता को तेजस्वी यादव ने बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितना झूठ बोलते हैं। प्रधानमंत्री को तेजस्वी यादव ने इस बात की चेतावनी दी है कि जो बोले उस काम को करे भी। तेजस्वी यादव ने ट्विटर पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वीडियो शेयर कर कहा है कि इतने बड़े पद पर रहकर इतना झूठ बोलना सही नहीं है। गोपाल मंडल के बेटे के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज। जदयू के विधायक गोपाल मंडल के बेटे के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई है। आशीष मंडल पर थानाध्यक्ष को धमकी देने और सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप है। आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब गोपाल मंडल के बेटे चर्चाओं में बने हैं। इससे पहले भी आशीष मंडल का एक वीडियो वायरल हुआ था और एक बार इंटरनेट पर उनका एक कथित वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो कहते नजर आ रहे थे कि वो किसी से भी नहीं डरते हैं क्योंकि वो विधायक के बेटे हैं। लोकसभा चुनाव के बीच जदयू के पार्टी महासचिव ने दिया इस्तीफा। लोकसभा चुनाव के बीच जदयू पार्टी को बड़ा झटका लगा है। जदयू के महासचिव अजित कुमार ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। इन्होंने पार्टी से नाराजगी जताई है और अपना पत्र प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा को भेजा है। अजित कुमार ने जनता दल यूनाइटेड की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया है और पत्र के माध्यम से पार्टी के काम और फैसलों पर सवाल खड़े किए। इनकी तरफ से कहा गया है कि चुनाव के 2 चरण बीत जाने के बाद भी एनडीए गठबंधन की ओर से बिहार के हित को लेकर अभी तक किसी भी प्रकार की कोई घोषणा नहीं हुई है। हार्दिक पांड्या पर लगा 24 लाख का जुर्माना। आईपीएल 2024 में मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या पर बीसीसीआई ने 24 लाख का जुर्माना लगाया है।
तय सीमा के अंदर ओवर को पूरा नहीं कर पाने के कारण हार्दिक पांड्या पर 24 लाख का जुर्माना लगा है और साथ ही पूरी टीम को सजा का भुगतान करना होगा। आपको बता दें कि लखनऊ की टीम के खिलाफ मुंबई इंडियंस का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। 10 मैचों में इस टीम को 7वीं हार मिली। मुंबई इंडियंस ने पहली बल्लेबाजी कर 20 ओवर में 144 रन बनाए और इसके जवाब में लखनऊ की टीम ने 4 गेंद शेष रहते हुए 4 विकेट गंवाकर मैच अपने नाम कर लिया। मुंबई की टीम आईपीएल के पॉइंट्स टेबल में 9वें स्थान पर है जबकि लखनऊ की टीम 3रे स्थान पर पहुंच गई है। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, एसएससी, यूपीएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही उत्तर दिया ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है, एक्सिस बैंक के MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए अमिताभ चौधरी, बी दिनेश कुमार खारा, सी रजनीश कर्णतक और डी अमिताभ कुमार। सही उत्तर है अमिताभ चौधरी। सुब्रमण्यम धारेश्वर को किस लोक नृत्य के लिए जाना जाता है? ए यक्षगान, बी घूमर, सी गणगौर, डी कजरी। उत्तर यक्षगान। विश्व ऊर्जा कांग्रेस 2024 का किस देश में आयोजन किया जाएगा? ए भारत, बी नीदरलैंड, सी अमेरिका, डी नेपाल। सही उत्तर है नीदरलैंड। विश्व के सबसे बड़े हवाई अड्डे के टर्मिनल का निर्माण कहां हो रहा है? ए दिल्ली, बी दुबई, सी मुंबई, डी इस्तांबुल। उत्तर है इसका दुबई। NHPC यानी नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड का मुख्यालय कहां स्थित है? ए गाजियाबाद, बी फरीदाबाद, सी चंडीगढ़, डी बेंगलुरु। सही उत्तर है फरीदाबाद। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत से लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है नंद कुमार सिंह, रजनीत मिश्रा, वेद प्रकाश सिंह, राजेश मांझी, गुनर शर्मा, मोहम्मद शकीर हुसैन, औषाद रजा, रवि कुमार राम, राकेश मिश्रा, अर्जुन राम, शशि कुमार, बाबूलाल मरांडी, सुजीत कुमार, राजेश राज शर्मा। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार आईपीएल 2024 में मुंबई इंडियंस के टॉप 4 में क्वालिफाई नहीं करने का प्रमुख कारण क्या हो सकता है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना नहीं भूले। धन्यवाद।